अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, उसकी शुरुआत 11 तारीख से यहाँ पर इस स्थान पर हो रही है, उसकी जानकारी देने के लिए आज पहली पत्रकार वार्ता मैं गुजरात के सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं डिजिटल मीडिया के सभी मित्रों का, मैं डॉक्टर शिरीष काशीकर संयोजक, स्वागत करता हूँ। आज की हमारे इस पत्रकार परिषद में जो संघ के अधिकारी उपस्थित हैं, मैं उनका परिचय करवाऊंगा, बाद में हम पत्रकार परिषद शुरू करेंगे। यहाँ मंच पर उपस्थित हैं श्री डॉक्टर सुनील भाई बोरिसा, आप गुजरात प्रांत के सह कार्यवाह हैं और व्यवसाय से ईएनटी सर्जन हैं। इस पत्रकार परिषद में दो अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख भी हमारे साथ उपस्थित हैं, श्री नरेंद्र कुमार जी और श्री आलोक कुमार जी, आप दोनों संघ के प्रचारक हैं। आज की इस पत्रकार वार्ता को संबोधन करेंगे श्री सुनील अंबेकर जी। सुनील जी अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख हैं। सुनील जी, पहले हमें अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा को लेकर ब्रीफ करेंगे, बाद में हम प्रश्नोत्तरी करेंगे। सुनील जी, सभी को नमस्कार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का आयोजन गुजरात में हो रहा है। इसी परिसर में 11 मार्च प्रातः से 13 मार्च शाम तक पूरे 3 दिन ये बैठक चलेगी। संघ की जो अलग अलग प्रकार की सभा होती है, बैठकें होती है, उसमें ये संख्या से भी सबसे बड़ी है और निर्णय की दृष्टि से सबसे प्रमुख ऐसा इस बैठक का, इस अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का स्थान है। प्रारंभ में के वर्षों में ये बैठकें प्राय नागपुर में ही होती थी। आप सभी जानते हैं कि संघ की शुरुआत जो हुई वह नागपुर से हुई थी। जब अन्य प्रांतों में ये बैठकों का क्रम प्रारंभ हुआ तो ये विशेष बात है कि पहली बार जब प्रतिनिधि सभा बाहर किसी प्रांत में हुई तो वो प्रांत भी गुजराती था और 1988 में गुजरात के राजकोट में नागपुर के बाहर पहली बार अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई थी। बीच के समय में अन्य अन्य स्थानों पर बैठक होती रही। अभी काफी वर्षों बाद पुनः एक बार गुजरात की कर्णावती में, यहाँ पर किराणा में, इस स्थान पर अपनी ये बैठक होने जा रही है। अभी पिछले 2 वर्षों में कोरोना के कई सारे जो परिस्थितियां थी और कई सारे प्रतिबंध थे, उस कारण से 2020 में बैठक हो नहीं पाई, निरस्त करनी पड़ी बेंगलोर में। और जब 2021 के मार्च में, जो ये प्रतिवर्ष होती है ये बैठक, जब मार्च में ये बैठक होनी थी तब भी प्रतिबंधों के कारण वो 400 लगभग प्रतिनिधि आए थे और शेष सारे प्रतिनिधि अपने प्रांत केंद्र से ऑनलाइन में जुड़े हुए थे, तो एक मिश्र स्वरूप से बैठक हुई थी। इस बार की परिस्थिति में निश्चित रूप से परिस्थितियां थोड़ी सुधार हुआ है, फिर भी हम लोगों ने यहाँ के जो भी आज के नियम कानून है उसके अनुसार हमने थोड़ी संख्या को कम किया है और उसके बाद अब ये इस बार संख्या लगभग 1248 इतने प्रतिनिधि इस बैठक में अपेक्षित है। पूजनीय सरसंघचालक जी के मार्गदर्शन में सारा बैठक का संचालन होगा। बैठक का पूरा संचालन संघ के माननीय सरकारीवा दत्तात्रेय होसबले जी करेंगे। बैठक में संघ के सभी सह सरकारीवा, कार्य विभाग जितने हैं संघ के, उसके प्रमुख अधिकारी, कार्यकारिणी के सदस्य और जो
संघ की जो प्रतिनिधि सभा की पद्धति है कि शाखा के स्तर से जो स्वयंसेवकों के प्रतिशत में प्रतिनिधियों का चयन होता है और उस चयनित प्रतिनिधि जो होते हैं वो प्रतिनिधि यहाँ पर अपेक्षित होते हैं। उसके साथ ही प्रांत के प्रांत संघचालक, कार्यवाह और प्रचारक, ये सभी पदाधिकारी भी यहाँ पर अपेक्षित होते हैं। विविध संगठन के प्रतिनिधि भी यहाँ पर आमंत्रित होते हैं। इस बार उनकी संख्या में कुछ कम किया है और इसलिए सभी संगठन के अखिल भारतीय संगठन मंत्री और उनके सहयोगी, यही लोग यहाँ पर अपेक्षित है। जैसे लगभग 36 संगठन के प्रतिनिधि यहाँ पर अपेक्षित है, उसमें भारतीय मजदूर संघ के सुरेंद्रन जी, विद्यार्थी परिषद के आशीष चौहान, विश्व हिंदू परिषद के और वनवासी कल्याण आश्रम, राष्ट्र सेविका समिति, ऐसे सभी संगठन, विद्या भारती, ऐसे सभी 36 संगठन जो है उनके संगठन मंत्री और उनके सहयोगी, ये लोग इस बार अपेक्षित रहेंगे। साथ ही अलग अलग प्रकार के कई विषयों पर बैठक में चर्चा होगी। विशेष रूप से इस बैठक का जो योजना होती है कि प्रतिवर्ष हमें अपने कार्य के बारे में योजना करते हैं कि हमारे कार्य का विस्तार कैसा होगा, गतिविधियां कौन सी होगी, कार्य कौन से होंगे, और फिर इस बैठक के समय उसकी हम समीक्षा भी करते हैं और उसका पूरा वृत्त अपने माननीय सरकारीवा, अपने सरकारीवा प्रतिवेदन के द्वारा पूरा वृत्त प्रतिनिधि सभा के सामने रखते हैं। तो ये प्रक्रिया भी 11 तारीख को होगी और उसके साथ ही आगामी वर्ष की जो योजना है इसके बारे में अपना अपना जो भी विचार है वो लेकर प्रांत के कार्यकर्ता आते हैं और उस आधार पर पूरी देश भर की योजना को अंतिम रूप यहाँ पर दिया जाता है। विशेषकर 2025 में संघ की स्थापना को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आप सभी जानते ही है कि 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी, तो पिछले मार्च से ही 2021 मार्च से ही हम लोगों ने 3 वर्ष के अपने कार्य विस्तार की विशेष योजना बनाई, शताब्दी के निमित्त विशेष विस्तार योजना, कार्य विस्तार योजना। उस दृष्टि से बीच के समय में कुछ बाधाएं आई, लेकिन अब सभी प्रांतों ने अपनी अपनी योजनाएं को रूप दिया हुआ है। अब वो सभी अपने अपने प्रांत की योजना के बारे में यहाँ पर निवेदन भी होगा, उसकी चर्चा होगी और एक तरीके से आगामी 2 वर्ष में संघ के कार्य को कैसे विस्तार देना इसके बारे में योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। पहले भी ये बताया गया था कि लगभग संघ का अपना जो कार्य है जिसके बारे में विस्तार से जो संख्यात्मक आंकड़े हैं आपको अंतिम दिन प्रतिनिधि सभा के दिए जाएंगे, लेकिन लगभग पिछले दिनों में 55,000 स्थानों पर संघ का कार्य चल रहा था। इस शताब्दी विस्तार योजना के अंतर्गत उसे 1,00,000 स्थानों पर ले जाने की योजना है और इस दृष्टि से उसका विवरण जो होगा कहाँ कहाँ कैसे होगा इसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा होगी। बैठक के अंत में आपके सामने भी वो जानकारियां रखी जाएगी। बैठक में विशेषकर इस दृष्टि से जो लोग समय देंगे और कैसे कैसे प्रवास की योजनाएं होगी इस पर भी चर्चा होगी। स्वाधीनता के 75 वर्ष इस संदर्भ में भी देश भर में कई प्रकार के विविध उपक्रम का आयोजन किया गया, जैसे कि विशेषकर जो अनसंग हीरोज है, मतलब जिनके बारे में लोग जानते नहीं है, ऐसे कई लोग हैं, कई स्थान हैं, तो उन सब बातों के बारे में एक अध्ययन का काम देश भर में हाथ में लिया गया था। कई प्रकार के संगठन भी इसमें जुड़े हुए थे और उसके साथ साथ प्रज्ञा प्रवाह, इतिहास संकलन योजना, ऐसे कई संगठन भी उसके साथ जुड़े हुए थे। सबने मिलकर एक अच्छा खासा संग्रह ऐसी जानकारियों का किया है और ऐसे कई प्रेरक महापुरुष, विदुषियां, ऐसे स्थान, ऐसे प्रसंग, उनको लेकर उनको उचित स्थान देना कार्यक्रमों में, कार्यों में, किताबों में, इस दृष्टि से एक पूरी व्यापक पहल समाज में उसकी जागृति का एक कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। इस संदर्भ में भी वृत्त यहाँ पर आएगा, आगामी योजनाओं के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। साथ ही वर्तमान परिस्थिति में
जितने भी विषय संदर्भ सामने आते हैं उन सब विषयों के बारे में अलग अलग जगह से क्योंकि प्रतिनिधि आते हैं तो वहां की वास्तविकता क्या है और कौन से विषयों के बारे में लोगों के मन में विशेष ध्यान आकर्षित हो रहा है, ऐसे सभी विषयों के बारे में जानकारी यहाँ पर आती है और उसके आधार पर कई विषयों पर विचार भी यहाँ पर होता है, विचार विमर्श होता है। कई सारे विषय हमारे जानकारी के लिए होते हैं, समझने के लिए होते हैं, कुछ विषयों पर निर्णय भी लिए जाते हैं और कुछ विषयों पर हम लोग अपने प्रस्ताव या वक्तव्यों के द्वारा भी आपके सामने सार्वजनिक रूप से जानकारियां भी रखते हैं और कुछ पर आगामी योजनाएं भी की जाती है। इन सभी के बारे में ऐसे सभी विषय पर यहाँ पर चर्चा होगी और उनके बारे में विस्तार से आपके सामने भी विषय रखेंगे। विशेषकर एक विषय जो समाज में चल रहा है कि समाज में ग्रामीण क्षेत्र में अपने अपने स्तर पर नए प्रकार से अपने स्वरोजगार के बारे में या हम अपने तहसील या ग्रामीण जिला के स्तर पर अपनी स्वनिर्भरता कैसे पा सकते हैं, इसके संदर्भ में एक लोगों को सहायता करना, प्रशिक्षण करना, उस सृजन के लिए नई योजनाओं में उनको दिशा दर्शन करना, इस प्रकार के कई उपक्रम संघ के स्वयंसेवकों ने और कई सारे समाज के ऐसे संगठनों के साथ मिलकर प्रारंभ किए हैं। पिछले दिनों भी इसके बारे में विचार विमर्श लगातार चल रहा है तो इन विषयों को लेकर कुछ प्रस्तावों के बारे में भी योजना है, इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही संघ अलग अलग तरीके से समाज के कई संगठन के साथ काम करता है, जैसे सामाजिक समरसता का विषय है और जिसमें समाज के कई सारे संगठन समूह उनके साथ मिलकर कार्य चल रहा है, या पर्यावरण के विषयों पर भी समाज के कई लोगों के साथ मिलकर गतिविधियां चल रही है। हमारे परिवार, हमारे जो फैमिलीज है, कुटुंब है, उनके प्रबोधन के बारे में भी बहुत सारी गतिविधियां चल रही हैं। तो ऐसे कई गतिविधियों के बारे में समाज के अलग अलग प्रकार के संगठन समूह संस्थाएं उनको जोड़कर ये कार्य हो रहे हैं तो उस संदर्भ में भी आने वाले समय में इसके बारे में समाज में जो अपेक्षित परिवर्तन है, अपेक्षित बदलाव है, उसके बारे में भी चर्चा यहाँ पर होगी और उस संदर्भ में आगे की अपनी गतिविधि को कैसे ले जाएंगे इस पर भी उचित दिशा यहाँ पर निश्चित होगी। तो इन सब विषयों के बारे में आने वाले 3 दिनों में चर्चाएं होगी, 11, 12 और 13 को। और इस संदर्भ में 11 तारीख को दीप प्रज्वलन से प्रातः 9 बजे अपना ये प्रतिनिधि सभा प्रारंभ होगी और उस दिन प्रतिवेदन सरकारवाजी के प्रतिवेदन के साथ ये बैठक का शुभारंभ होगा और उसके पश्चात 13 तारीख को आपको माननीय सरकारवा माननीय दत्तात्रेय होसबली जी यहाँ सभी मीडिया को संबोधित भी करेंगे और आपके प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। यहाँ इस परिसर में सभी प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं इसलिए एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है जिसमें गुजरात के स्वाधीनता में योगदान, गुजरात की विशेषताएं, पहचान, इसके बारे में भी प्रदर्शनी में विस्तार से जानकारी रखी गई है। स्वाधीनता आंदोलन में गुजरात के योगदान के बारे में भी और विशेषकर गुजरात का जो संघ कार्य है काफी वर्षों से चल रहा है, लगभग 1938 में प्रारंभ हुआ था तो लगातार विभिन्न समय पर विभिन्न प्रसंगों पर गुजरात संघ का कार्य भी बढ़ता भी गया और समाज के लिए आवश्यक ऐसे कई कार्य संघ के स्वयंसेवकों ने हाथ में लिए। तो इस संदर्भ में जानकारी देने वाले कई सारी चार्ट्स प्रदर्शनी में लगाए गए हैं तो ये अपेक्षा है कि सारे प्रतिनिधि इसको देखेंगे और गुजरात से उस संदेश को भी लेकर जाएंगे। तो मैंने कुछ संक्षिप्त में आपको जानकारी आपके सामने दी है और बाकी जैसे जैसे कामकाज आगे बढ़ेगा आपको विस्तार से इसकी जानकारी हम लोग साझा करेंगे। आप सबको धन्यवाद। धन्यवाद सुनील जी। अभी ये मंच हम प्रश्नोत्तरी के लिए खुला रख रहे हैं, आप में से जो मित्र प्रश्न पूछना चाहते हैं वो अपना परिचय दें और प्रश्न पूछ सकते हैं, हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। आलोक जी, मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि आज हम बहुत ही इस मैंने जो ब्रीफ किया है उस संदर्भ में कोई प्रश्न होगा तो उसी को हम ले लेंगे, बाकी जो विस्तारित प्रश्न है
वो खुद स्वयं माननीय सरकारवा जी 13 तारीख को आपके बीच में उपस्थित होंगे, तब आप उनको सारे प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा नाम प्रणव है। अहमदाबाद में ही क्यों यह शिविर का आयोजन, क्योंकि 2022 का गुजरात इलेक्शन है, उसका बंदर भी यहाँ पर टाका जाए, इसलिए ये कार्यक्रम संघ का यहाँ किया जा रहा है? ऐसा है कि संघ की जो बैठकें हैं, मैंने प्रारंभ में ही बताया कि लगातार क्रम इसका बदलता रहता है। 3 वर्ष में एक बार नागपुर में ये बैठक, जब सरकारवाजी का चुनाव होता है, वो वर्ष निश्चित रूप से नागपुर में होती है। अन्य 2 वर्ष जो बीच के होते हैं, उसमें एक बार कभी उत्तर में, पश्चिम में, कभी दक्षिण में, ऐसा हमारा क्रम चलता रहता है। तो इसी क्रम में गुजरात में ये बैठक हो रही है। मैंने प्रारंभ में ही आपको बताया कि बैठक में कौन कौन अपेक्षित है, तो विस्तार से मैंने इसकी जानकारी आपको दे दी है। नमस्कार जी। सुनील जी, मेरा नाम केशव है और मैं पंचायत टीवी से हूँ। एक बार ABPS के अंदर गणवेश परिवर्तन, जो हमारा नकर से पैंट आया, ऐसा कुछ निर्णय लिया गया था, तो इस बार ऐसा कुछ अपेक्षा है क्या? नहीं, अभी तो ऐसा कोई विषय नहीं है। ठीक है। सर, मेरा नाम वैभव है, वैभव झा, मैं इंटरनेशनल। सर, ये सभा का जो स्थल है श्री निष्कलंक नारायण तीर्थ, इसका चुनाव क्यों किया गया, इसके बारे में बताइए। नहीं, हमें तो ऐसा होता है कि हमारी प्रतिनिधि संख्या को देखकर और बैठक की आवश्यकताओं को देखकर हम स्थान को ढूंढते हैं। जो स्थान हमें, हम फिर जिन जहां स्थान होता है उनको निवेदन करते हैं, जो स्थान हमें निवेदन हमारा स्वीकृत कर लेते वहां बैठक होती है। सिंपल। सुनील जी, 11 अब आपने एक पूछ लिया ना। ठीक है, बाकी मिलेंगे, आप पूछ लीजिए लास्ट। 11 को मोदी जी भी अहमदाबाद के अंदर है, तो क्या मोदी जी और मोहन जी का मीट होगा क्या? मुझे कोई जानकारी नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद। 2 सूचनाएं हैं सभी पत्रकार मित्रों के लिए। एक तो 11 तारीख को, जैसे सुनील जी ने बताया कि दीप प्रज्वलन होगा, उस वक्त 9 बजे दीप प्रज्वलन होगा, तो करीब 9:15 के आसपास जो फोटोग्राफर और कैमरामैन मित्र सभी हैं उनको अंदर एंट्री दी जाएगी और दीप प्रज्वलन के बाद सभी को बाहर आना होगा, और 9:15 के आसपास मनमोहन जी जो है वो यहीं पर प्रेस ब्रीफिंग भी करेंगे, और 13 तारीख को भी सहसर कार्यवाह मनमोहन जी भी पत्रकार परिषद में ब्रीफिंग करेंगे 11 तारीख को, और 13 तारीख को जैसे सुनील जी ने बताया कि दत्तात्रेय जी, होसबले सरकारीवा जी, वो भी पत्रकार परिषद करेंगे। हम आपको अलग से उसकी सूचना जो है, इनविटेशन वगैरह आपको भेजेंगे। अभी भोजन तैयार है, सभी मित्रों को भोजन के लिए आमंत्रण। धन्यवाद।